स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं, पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु है। आप सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएं। ये समांतर चतुर्भुज आपके पास हो गया ए बी सी डी, ठीक। डी सी और ए डी पर, डी सी पर जो बिंदु बनेगा वो होगा पी और ए डी पर जो पॉइंट होगा वो होगा क्यू। अब इसके बाद इसने पूछा दर्शाइए कि ए पी बी, तो भाई त्रिभुज ए पी बी बनेगा, तो आप यहाँ से इसको जोड़ें और इसको मिला दें, ए पी बी हो गया। और बी क्यू सी, बी सी क्यू इसको जोड़ दीजिए, यहाँ से इस तरह से आपने इसको मिला दिया, त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। अब दिया है डी सी, या पहले लिख दे ए डी का मध्य बिंदु बराबर क्यू और डी सी का मध्य बिंदु बराबर पी, ठीक। यहां पर आपने क्या किया दिया है, आपको सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ए पी बी और एरिया त्रिभुज बी क्यू सी, ठीक है ना, बी क्यू सी। अब क्या करेंगे आप, यहां पर एरिया ए पी बी, एरिया बी क्यू सी, आप यहां से लिखते ए पी बी, आपके पास त्रिभुज बन गया है, यहां पर इस तरह से फिगर बना दिया आपने। अब आपको क्या करना है, इसका सिद्ध करना है कि यह बराबर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ए पी बी, एरिया त्रिभुज ए पी बी इज इक्वल टू 1/2। भाई देखो ये समांतर रेखा है और एक ही आधार, यहां पर आप लिख दीजिए 1/2 ऑफ ए बी सी डी, भाई इसी का तो है ए बी सी डी पर, तो यहां पर ए बी सी डी आप लिख दें यहां पर कि यहां पर जो भुजा है वो समांतर रेखाओं के, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, त्रिभुज ए पी बी, ठीक है, बी ए बी पैरेलल टू सी डी के बीच स्थित है, बीच स्थित है, आपने लिख दिया। अब दूसरी बात यहां पर हो जाएगा ए बी पी, नहीं सॉरी ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी। अब यहां पर एरिया बी क्यू सी, एरिया बी क्यू सी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जाएगा 1/2 ऑफ ए बी सी डी, यहां पर त्रिभुज बी क्यू सी किसके बीच में है, डी ए इस पैरेलल टू सी बी के बीच स्थित है, ठीक है ना। अब आपने क्या देखा भाई, आपने देखा कि एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी सी डी है और एरिया ऑफ बी क्यू सी भी 1/2 ऑफ ए बी सी डी है। तो जब इसकी एरिया बराबर है और इसकी एरिया बराबर है तब आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रूव, हेंस प्रूव या सत्यापित किया, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफनेस नहीं है, बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हो। यस, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसी चीज के आधार पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है और आप इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इस क्वेश्चन से पहले के क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से क्लिक कर लें या यहां पर जो आई का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करके इस चैप्टर और दूसरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।